सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों जैसे मैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे टीचर ने क्लासरूम को यूज़ करना है, कैसे क्लास क्रिएट करनी है, कैसे स्टूडेंट्स को लिंक शेयर करना है, एंड मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स ने क्लास को ज्वाइन करना है, कैसे टीचर को होमवर्क सबमिट करना है। जैसे स्टूडेंट क्लासरूम को ज्वाइन करते हैं तो टीचर को वही नेम शो होता है जिसके साथ ईमेल आईडी क्रिएट किया है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अपने पेरेंट्स का फोन यूज करते हैं तो पेरेंट्स का नाम ही शो होता है टीचर को जब स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टूडेंट ने कैसे नेम चेंज करना है क्लासरूम में। ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों लेफ्ट साइड पे टीचर का मोबाइल है एंड राइट साइड पे स्टूडेंट का मोबाइल है। जैसे ही टीचर स्टूडेंट को क्लास कोड जनरेट करता है ज्वाइन करने के लिए एंड शेयर कर देता है लाइक व्हाट्सएप या किसी भी सोर्स के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद स्टूडेंट उस कोड को कॉपी करते हैं ज्वाइन करने के लिए। स्टूडेंट को ईमेल के थ्रू भी ऑप्शन आ सकती है ज्वाइन करने के लिए एंड कोड के थ्रू भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट गूगल क्लासरूम ओपन करता है इंस्टॉल करने के बाद, पे स्टूडेंट को ज्वाइन करने के लिए ईमेल आईडी को चूज करने की ऑप्शन मिलेगी। अगर स्टूडेंट के पास मोर देन वन ईमेल आईडी लॉगिन है उसके फोन में। दोस्तों जैसे मैं इस ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहा हूं और उसके बाद ओके पे क्लिक कर रहा हूं, लॉगिन करने के बाद जैसे स्टूडेंट प्लस के साइन पे क्लिक करके ज्वाइन क्लास पे क्लिक करके कोड को पेस्ट करके ज्वाइन कर देता है। जैसे स्टूडेंट ज्वाइन कर देता है और दूसरी तरफ टीचर फोन से भी यहाँ पे स्टूडेंट शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे लाइव अपडेट्स के नाम से स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों जो मेरी ईमेल आईडी है वो बनी है दुल्ट मैंडी के नाम से, लेकिन उस पे जो चैनल क्रिएटेड है उसका नेम है लाइव अपडेट। तो टीचर को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, टीचर को ये पता नहीं चलता कि भाई क्लास में कौन ज्वाइन कर चुका है। दोस्तों स्टूडेंट ने अपना नेम चेंज करने के लिए लेफ्ट टॉप पे क्लिक करना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद उस ईमेल आईडी को क्लिक करना है जिसके साथ लॉगिन किया है। उसके नीचे यहाँ पे शो होगा गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फो शो होगी। पर्सनल इन्फो में नेम की ऑप्शन शो होगी तो नेम पे क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेगा तो यहां से स्टूडेंट अपना नेम चेंज कर सकता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट ने सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद बैक पे क्लिक करना है। दोस्तों यहां पे नेम चेंज हो गया है और जैसे ही हम यहां पे क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो हम गूगल क्लासरूम में रीच कर जाएंगे। दोस्तों जैसे ही हम क्लासरूम में एंटर करते हैं यहां पे हमें ओल्ड नेम शो हो रहा है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जैसे ही टीचर क्लास को रिफ्रेश करेगा या ऐप को क्लोज करके ओपन करेगा तो टीचर के पास भी आपका न्यू नेम शो होगा। दोस्तों आफ्टर 20 मिनट्स जैसे ही टीचर क्लासरूम को ओपन करता है, क्लासरूम को ओपन करने के बाद जैसे पेपर पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे नेम चेंज शो हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट का जो नेम है वो चेंज शो हो रहा है। और दूसरी तरफ हम स्टूडेंट फोन से भी ओपन करके देखते हैं। स्टूडेंट फोन से जैसे हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे अभी तक नेम चेंज नहीं हुआ, लेकिन टीचर के पास नेम चेंज हो गया है, अभी स्टूडेंट के पास नेम अपडेट नहीं हुआ। दोस्तों जो हमारा पर्पज था कि टीचर के पास हमारा नेम चेंज होना चाहिए, वो टीचर के पास हमारा नेम चेंज हो गया है। विद इन 12 आवर्स स्टूडेंट के पास भी नेम अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई गूगल क्लासरूम या किसी अदर एजुकेशन ऐप के रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका टॉपिक यूजफुल है तो मैं उसमें वीडियो भी क्रिएट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।